चलो बाय बाय। तो भाई घर से बाहर निकल गए हैं, गोल्डन टेम्पल राइड है भाई, बट यार बहुत थकान हो जाती है ऐसे तो। तो भाई ये क्या है, ये है नर्मदा नदी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ईयर एंड होने वाला है बट बाइक राइड एंड नहीं होनी चाहिए। अपने बैग्स पैक कर लिए हैं पूरे और बाइक रेडी है बिल्कुल, बस इस पर माउंट करते हैं और मिलते हैं सीधा माउंट के बाद। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो सब आपको माउंट करने के बाद मिलते हैं। तो भाई बाइक पूरी रेडी हो गई है, एक छोटा सा टूर दे देता हूँ मैं, बाकी हम राइड पे तो दिखाते ही रहेंगे कैसे क्या चल रहा है। अभी बस तैयार होते हैं, कुछ भी नहीं किया अभी हमने, पहना भी नहीं है कुछ, तो तैयार होते हैं, बाकी बाइक सेटअप है ही। जा रहे हैं हम आज अहमदाबाद, खाली अहमदाबाद नहीं, आगे भी जाएंगे, वो चीज़ें सारी आपको बाइक पे बैठने के बाद चलते चलते बताएंगे, क्योंकि चलते चलते भी कुछ ना कुछ बात तो करनी होगी, तो यही बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि अहमदाबाद जा रहे हैं, जाते हैं और अपना ड्रेसअप होते हैं, राइडिंग जैकेट और पैंट्स पहनते हैं और मिलते हैं सीधा बाइक के ऊपर। चलो बाय बाय। चलो जी घर से निकल गए हैं, सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो भाई घर से बाहर निकल गए हैं, सबने मुझे घर से सी ऑफ कर दिया है, तो जा जी ले अपनी जिंदगी, इस साल की आखिरी राइड, या फिर हो सकता है आखिरी राइड हो सकता है ना भी हो, क्या पता और कहाँ बन जाए मूड, पर अभी तक का जो है बड़ी राइड, आखिरी बड़ी राइड तो यही होगी। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ आज, तो अभी अहमदाबाद कुछ 13 hours 8 minutes है, वो की है 679 kilometers है। तो जैसे आपने देख लिया होगा यार टाइटल में कि गोल्डन टेंपल राइड है भाई, तो जी हाँ हरमिंदर साहिब जा रहे हैं हम। बहुत लोगों को नहीं पता कि गोल्डन टेंपल को हम दरबार साहिब और हरमिंदर साहिब भी कहते हैं। निकले हैं वहाँ के लिए और दिखते हैं 3-4 दिन 5 दिन में हम वहाँ पे पहुँचेंगे, थोड़ा रुकते रुकते जाएंगे। अभी पहला स्टॉप हमारा अहमदाबाद होगा, अहमदाबाद में हम एक दिन स्टे करेंगे, एक दिन स्टे में देखते हैं कैसा होता है, प्लान्ड है कुछ चीज़ें तो उसके हिसाब से चलेंगे। और एक और चीज़ यार आपने देखी होगी, मैं सोलो जा रहा हूँ पहली बार, आज का है टारगेट 678 kilometers, बट टोटल में अराउंड 2200 kilometers बैठ रहा है जो मेरा काउंट किया है अभी तक अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके हिसाब से देखते कैसा चलता है यार, चलते हैं अपना, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है सोलो का भी। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि क्या दोस्त राइड करता रहता है, कुछ एक सोलो भी कर, सोलो में अच्छा एक्सपीरियंस होता है, नए लोग मिलते हैं, वही कर रहे हैं सोलो राइड यहाँ से। अभी पहला हम यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुंबई नॉनस्टॉप खींची जाए, नॉनस्टॉप मारा नहीं है, एक वही थाईलैंड वाली राइड थी जो नॉनस्टॉप थी कराबी तक, वो थी अराउंड 180 kilometers, तो मुंबई भी अराउंड वही है तो, बट वो बाइक नहीं है ना वो रोड चाहिए, देखते हैं कैसा रहता है। निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको पुणे पार करके, अभी तो पुणे ही बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो पुणे पार करते हैं और मिलते हैं सीधा हाईवे पे, ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे। चलो भाई देहू रोड से निकल गए हैं और लोनावला की तरफ बढ़ रहे हैं हम। यार पूरा पुणे क्रॉस करने में हालत ख़राब हो गई यार, 35-40 minutes लग गए मुझे बाहर आने में पूरा, क्योंकि इतना रश था ना अंदर, मतलब सुबह के 4 बजे और ट्रक पे ट्रक इतने सारे थे ना, और मतलब ट्रैफिक था यार, अरे पुणे है क्या है पता नहीं सुबह के 3-4:30 बजे भी ट्रैफिक रहता है, बताओ हद हो गई। इसीलिए पुणे को वन ऑफ द बिजीएस्ट सिटी माना गया है,
आई थिंक 5th या 6th पे आई थिंक ये, हाँ 5th या 6th पे है, वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी के हिसाब से, कि भाई आपको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के लिए फॉर एग्जांपल अराउंड 30 to 35 मिनट्स लग जाते हैं पिक टाइम में, पर कुछ भी हो पुणे पुणे है, लोनावला निकल रहे हैं। होप हमारी राइड अच्छी हो, पॉजिटिव माइंड बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही जा रहे हैं आगे, और बस ठीक है देखते हैं, पूरे रास्ते बातें करते हुए जाएंगे क्योंकि मन तो मेरा अकेले में लगेगा नहीं ऐसे, तो आपसे ही बातें करूँगा, दिखाऊँगा चीज़ें। ये तो मेरे ख्याल से मैं हर एक ब्लॉग में दिखाई देता हूँ इतने, और मतलब क्या यार हर बार लोनावला तो आता ही है, तो चलते हैं आगे लोनावला की तरफ और मुंबई। मुंबई इस वाले रोड से शायद मैं पहली बार जा रहा हूँ मुंबई, इससे पहले मैं कभी इस रोड से गया नहीं हूँ, हमेशा कार से गया हूँ और वो भी एक्सप्रेसवे से, जब थाईलैंड जाना था तो भी वहाँ गए थे, तो आई थिंक इस वाले रूट पे मैं कभी आया नहीं हूँ। हाँ मतलब बाइक से आते हैं तो कारजत तक आई थिंक वी हैव कम ऑन बाइक, हाँ कारजा तक मोरबे डैम गए थे हम, वो शायद वीडियो नहीं शूट हुआ है अभी, मतलब उसके बाद से ही मैंने ब्लॉग चालू किया है, तो तब गया था मैं आइस वाले रूट से, बाकी तो कभी नहीं गया। तो भाई ठाणे पहुंचने वाले हैं और एक मैंने छोटा सा 2 मिनट का स्टॉप लिया जो कि पेट्रोल भराया बस अभी, और पेट्रोल मेरा इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया ये था कि मैंने भरवाया ही नहीं था, मतलब अराउंड 150 किलोमीटर चल चुकी थी और उसके बाद मैंने भरवाया था, तो अभी बस 4 किलोमीटर पहले भरवाया है और निकले अभी पेट्रोल भरा के, मेरा भरा था शायद 980 का, तो कंसिडर कर लेते हैं 980 को, कि 980 नहीं तो 600 का पेट्रोल अभी तक लग चुका है, ऐसा कुछ मान लेते हैं यार, क्या दिक्कत है मानने में, मानने में कोई दिक्कत थोड़ी आती है, तो 400-500 का पेट्रोल लग गया बाइक पे मुंबई तक। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, मैंने 2 ओडोमीटर सेट कर दिए हैं, एक तो करंट पेट्रोल का कि कितना देरी है, एक फुल टैंक में एवरेज, और उसके बाद दूसरे में ट्रिप पे सेट करिए अपना ओवरऑल, देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है, तो उसके हिसाब से सेट कर दिया। अभी चलते हैं थाने, पहुँचते हैं थाने के से निकलेंगे, वसई है शायद, आई थिंक वसई के वसई विहार कुछ ऐसे इस टाइप का, मुझे एक्चुअल नेम याद नहीं है क्या है वो, बट उस टाइप का है कुछ, और उसके बाद वहाँ पे आएगा वापी जो कि है ऑन द गुजरात साइड, मतलब गुजरात साइड क्या गुजरात में ही है, तो उसके बाद शायद आता है सूरत, देन वडोदरा, देन वडोदरा के बाद आर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज अहमदाबाद। तो भाई अभी तक के 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं अपने घर से और अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया है मैंने, मतलब यार इट्स गुड, सही चल रहा है यार, मतलब ब्रेक ना लेना ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। 200 किलोमीटर्स टर्न हो चुके हैं अभी तक और सो फार सो गुड, मेरे को 8 hours 20 minutes दिखा रहा है अभी और 3:30 बजे तक पहुंचने की कह रहा है, बट हाँ ये मान लो 1 घंटा और एक्स्ट्रा मान लो, 4:30 बजे तक पहुंचूंगा मैं, जो कि मैं 3:30 चला था घर से, तो 4:30 तक मतलब इट्स 13 hours हो गए, और देखते हैं अभी कितना ब्रेक लगते हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो देखते हैं कितने हो जाएंगे कंप्लीट। अभी 470 किलोमीटर्स बच रहे हैं अपने, 470 किलोमीटर्स और चलाने हैं और 200 हो गए हैं, तो 670 किलोमीटर्स थे टोटल, इट्स गुड, मतलब मज़ा आ रहा है आज अकेले 200 किलोमीटर चलाई आज मैंने सोलो, और अकेले ही आगे चलाऊँगा इसका 10 times और 200 का अराउंड 2,200 के अराउंड हमारे किलोमीटर्स हो जाएंगे गोल्डन टेंपल जो कि है हरमिंदर साहिब तक, तो देखते हैं कैसा चलता है उसके बाद और मज़ा आएगा, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं हम, ये एंजॉय भी ज़रूरी है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक में। यार धुंध बहुत ज़्यादा है तो देखते हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब अभी रुका जाए कि नहीं रुका जाए, चाय की चुस्की तो सनराइज़ के टाइम पे होनी चाहिए ना,
तो वही देख रहा हूँ मैं कि सनराइज हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर ऐसा ही रहा तो एक चाय की चुस्की ले ली जाएगी अभी। तो देखते हैं कब लेते हैं, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ब्रेक ले लिया जाए यार 200 किलोमीटर इतना, क्योंकि है ना बॉडी को शुरू में स्ट्रेस नहीं देना चाहिए इतना, अभी उसको क्या बोलते हैं रलने दो, हम पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उस चीज़ को, बट हम कह रहे हैं अभी जैसे इंजन गर्म होता है रलता है ना 2000-3000 किलोमीटर के बाद मज़ा आता है, तो वही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ अपनी बॉडी के साथ कि 200 हो गए हैं ठीक है रल रही है बॉडी, पर एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो देखते हैं कोई अच्छा सा ब्रेक पे और मिलते हैं सीधा वहीं पे। तो भाई पहुंच गए हम अपनी एक पहली स्टॉप पे, जो कि है बाइक वगैरह सब खड़ी कर दी यहाँ पे, कुछ एक ब्रेकफास्ट किया थोड़ा सा छोटा सा और पोहा वगैरह खाया है मैंने, बाकी मज़ा पूरा आ रहा है और मिलते हैं सीधा आगे, निकलते हैं यार यहाँ से। और अभी कुछ अराउंड 458 किलोमीटर्स मेरा बच रहा है अहमदाबाद का, तो वो करना है कम्प्लीट यार। अभी टाइम हो रहे हैं हमारे 8:03, तो अगला स्टॉप देखते हैं 2-3 घंटे में एक बारी 200 किलोमीटर मैं सोच रहा हूँ सूरत के आसपास ले लिया जाए स्टॉप, उसके बाद देखते हैं कैसा चलता है। तो तब तक निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सीधा हेलमेट पे, बात करते हैं कुछ हेलमेट पे। आ गए वापस बाइक पे और अभी आ रहा है अपना 452 किलोमीटर्स। तो भाई अभी हो गया थोड़ा टाइम चलते चलते और हो गया हमारा सूरज आ गया है और वापी है 27, सूरत है 130। तो नेक्स्ट ब्रेक सोच रहा हूँ मैं सूरत में ही लूँ, उससे पहले ना लिया जाए, बट यार बहुत थकान हो जाती है ऐसे। तो अभी तो ज़्यादा किलोमीटर्स हुए भी नहीं है यार, सिर्फ 300 होने वाले हैं, मतलब 270-280 हो गए हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत होता ही है, पैनिक नहीं होना, अभी आराम से चल रहा है, ऐसे कुछ मतलब दर्द वर्द कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है चल रहा है, बाकी अच्छा खासा हो रहा है। यहाँ पे हाईवे है पूरा ये वाला, तो हाईवे पे चलना, अभी बस गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया था मैंने। चलो भाई सूरत आ गए हम, बचे हैं 248। भाई इतना नॉन स्टॉप भगा रहा हूँ ना मैं, पता नहीं क्यों बट भगा रहा हूँ, मेरे को मन कर रहा रुकने का यार, रुक जाते हैं थोड़ी देर है ना, बहुत थक गए यार, थोड़ी देर यहाँ पेट्रोल भी भरवा लेते हैं, रिजर्व में लगी हुई है और पेट्रोल का करा लेते हैं और थोड़ी देर रुक जाते हैं। चलो जी चलो भाई पेट्रोल भराते हैं यहाँ पे 96 फुल। भाई 888 का भरा है पेट्रोल फिर से, पेट्रोल भराया था अभी आपने देखा, अभी बस एक ब्रेक लिया है पेट्रोल पंप के पास ही, यहाँ पे बैठने की जगह मिली यहाँ बैठा मैं और अभी बस निकल रहा हूँ वडोदरा की तरफ। सूरत है मैं अभी और वडोदरा अराउंड 120 किलोमीटर के आसपास है, अभी भूख नहीं लगी है बिल्कुल भी, बट वडोदरा में लगेगी, तो वडोदरा रुकते हैं अभी, वडोदरा में खाएंगे खाना, तब तक के लिए अभी निकलते हैं यहाँ से और वडोदरा देखते हैं। बाकी जाम बहुत है यार इधर, पूरा रश देखो, बहुत रश है यहाँ पे, तो निकलते हैं सीधा और मिलते हैं वडोदरा में। अभी तक सब कुछ पैक्ड एकदम सही है, मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ बाइक पूरी, ऐसे कुछ लग रही है बाइक हमारी। तो भाई ये क्या है, ये है नर्मदा नदी, आर्किटेक्चर जो है वो अच्छा है इसका, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है, वाओ यार मेरा मन कर रहा है ऊपर खड़े होके कर लूँ, बट गाड़ी पीछे आ रही है उसको दिक्कत ना होए कुछ। क्यों इतना सोचता हूँ मैं सबके बारे में, क्यों ऐसा हूँ मैं, थोड़ा धीरे कर लिया जाए।
माता की जय। चल भाई चलते हैं आगे। 500 किलोमीटर डन हो गए आज के। हालत ऐसी हो रही है अब कि थोड़ा बहुत बैक पेन हो रहा है, सपोर्ट नहीं है ना, और बम में भी पेन हो रहा है थोड़ा बहुत। इतना नहीं है कि दिक्कत हो ज़्यादा, बट हाँ लग रहा है कि अब फील हो रहा है कि 500 किलोमीटर भाई तू चला चुका है, अभी उस चीज़ का पेन है अभी। बाकी सब सही चल रहा है, बस आराम से 100 पे क्रूज़ कर रहे हैं, 90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं, क्रूज़ के हाथ बिठा रखे यही तो सही चल रही है। इतने 90 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना इंडिकेटर देते जाओ, लेन चेंज करते जाओ। चलो भाई थैंक यू। चलो भाई, भाई ने बढ़िया बातें करी और बढ़िया जूस वूस पिला दिया। अब निकलते हैं अपने अहमदाबाद की तरफ। कह रहा है अहमदाबाद 70-80 किलोमीटर खुद से, बट हाँ 82 मेरा बच रहा है अभी, तो 82 है यहाँ से मेरा होटल। यार ये भी अच्छी जगह थी खाने के लिए, मैं ऐसे रुक गया वहीं पे, बट कोई नहीं, चलो नए बंदों से मिलने का मौका मिला जो बहुत अच्छा बताए उनको। मतलब मेरे से बार बार पूछ रहे थे वो कि कितने किलोमीटर चला के आए हो सुबह से, मैंने कहा 680 के अराउंड है, मतलब 700 बोला मैंने उन्हें, तो कहते 700 एक बार में ले आए यार, रात रुक के आए हो कहीं। मैं कहा नहीं, सुबह 3 बजे चला था, 3:30 बजे और आ गया। तो ऐसे बोल रहे थे, वाह यार मतलब हिम्मत वाला है। और सच में मुझे मेरे पर प्राउड हो रहा है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं 700 के अराउंड किलोमीटर्स एक शॉट में मार पाऊँगा, वो भी 3 ब्रेक के साथ, विच इज़ गुड, वेरी गुड फॉर मी एज अ सोलो राइडर, एज अ फर्स्ट राइड जो इतनी लंबी है एक बार की। चलो भाई ओनली 10 किलोमीटर आर लेफ्ट, मजा आ गया। 660 के अराउंड मैंने कंप्लीट कर लिया अभी तक, और 10 किलोमीटर बचे हैं। फाइनली अहमदाबाद के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। अहमदाबाद का हाईवे कह रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया, 10/10 ऑन द हाईवे। अरे भाई क्या चीज़ है यार अहमदाबाद है, क्या है ये तो पुणे से भी गंदा लग रहा है मुझे अब। मैं अराउंड 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर से जाम में फंस के आया हूँ, एंड 1 किलोमीटर में उसने 15 मिनट लगा दिया यार, बिल्कुल रेड जिसे कहते हैं वो था। चलो यार फिलहाल होटल पहुंच गए हैं, सीधा अंदर होटल में ही मिलते हैं। तो भाई बस अभी रूम में पहुंचे हैं, आज की थकान बहुत ज़्यादा हो गई। लास्ट के 10 किलोमीटर ने ना मेरी बैंड बजा दी, और उससे भी ज़्यादा लास्ट का 1 किलोमीटर था ना जो, वो 20 से 25 मिनट लगा दिया मुझे होटल पहुँचाने। फिलहाल होटल में आ गए हैं और बैठे हैं यार, थोड़ी देर आराम करते हैं, सोते हैं थोड़ी देर, थोड़ी थकान मिटाते हैं, और अहमदाबाद कल दिखाते हैं। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।